हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बताएंगे भी आप जब सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं उसका भी इंजन कैसे चेक करें, भी इंजन की कितनी हेल्थ रहेगी और जो गाड़ी आप ले रहे हैं उसके इंजन में कोई काम तो नहीं होने वाला बाकी भाई। तो उसके बारे में बताएंगे भी क्या क्या चीज़ें चेक करें जिसके बारे में हमें इंजन के बारे में पता लग जाए भी गाड़ी का इंजन अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो जो भाई चैनल पर नए आए चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप इंजन बोनेट को ओपन करिए और इंजन के आसपास देखिए भाई कहीं पर इंजन में लीकिंग तो नहीं ऑयल की। भाई सबसे पहले इंजन आपका सूखा होना चाहिए, इंजन में किसी तरह की लीकिंग तेल और तेल ना आपके इंजन पर लगाओ। कई बार गाड़ी के नीचे देख ले भाई तेल टपक रहा होता है तो उस कंडीशन में वो गाड़ी ना ले। पहले देखे भाई गाड़ी का इंजन के लीकिंग तो नहीं कहीं पर भी, पूरी सभी चेक कर ले भाई आसपास भी गाड़ी में कोई लीकिंग तो नहीं हो रही। पहले आप लीकिंग चेक करें गाड़ी में और उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। तो लीकिंग चेक करने के बाद भाई आप गाड़ी की थोड़ी इंजन की कंडीशन देख ले भाई कितना एक ऐसा इंजन पड़ा है भाई, और आसपास की भाई वायरिंग चेक करें जरूर, क्योंकि इसमें भी कई बार वायरिंग वूरिंग खराब होती है तो उसमें बड़ा काम हो जाता है दोबारा। तो सभी चेक कर ले भाई कहीं पर भी कोई ऐसी वायरिंग वूरिंग टूटी होनी नहीं चाहिए, तो उसके बाद देख लेने पहले भी सभी वायरिंग चेक करें आप। दूसरे नंबर पर जो भाई एच ऑयल की लेवल की गेजेस होती है इसे भी बाहर निकाले और चेक करें भाई आपका इंजन ऑयल की कंडीशन कैसी है, गाड़ी में सर्विस होने वाली है या नहीं होने वाली, ये भी भाई आप देख लें पहले। ये तो बाद में आपको भाई सर्विस करवानी पड़ेगी गाड़ी की, और ये जरूर चेक करें पहले भी गाड़ी की सर्विस होने वाली। यहाँ पर भी होता है एयर फिल्टर, ये भी निकल जाता है, इसके निकाल कर देख लें भाई, इससे पता लग जाएगा आपकी गाड़ी की भी सर्विस होने वाली है या नहीं है। और भी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा इंजन की साउंड। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे पहले बता देता हूँ गाड़ी में कोई भी स्मोक नहीं आना चाहिए पीछे की तरफ, और जब कोई गाड़ी आपकी स्टार्ट हो उसके बाद भी स्मोक कर रही है तो उस कंडीशन में भी इंजन डाउन है आपकी गाड़ी का, उसमें भी काम होगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो भी गाड़ी में स्मोक आ रहा हो पीछे की तरफ। कुछ चीज़ें भाई गाड़ी के लाइटिंग में चेक करनी पड़ती है भी, क्या क्या लाइटिंग आ रही है क्या क्या लाइटिंग नहीं आनी चाहिए। चलो उसके बारे में बताता हूँ, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ गाड़ी में, तो क्या क्या लाइटिंग आनी चाहिए और क्या क्या नहीं आनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो मैं पहले इसको भी ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप ऑन करेंगे क्लस्टर को भी सभी लाइट पहले आ जाती है, जहाँ पर भी एबीएस की, ऑयल की, चेक इंजन लाइट की, बैटरी की, एयरबैग की, पावर स्टीयरिंग की, भाई सभी लाइट आनी चाहिए। तो उसके बाद कई लाइट भी चली जाती है, जैसे भाई कई लाइट चली गई और रहेगी भाई हमारी इंजन ऑयल की, चेक इंजन लाइट और भाई बैटरी की और पावर स्टीयरिंग की, और भाई यहाँ पर भी हमारी की, ये भी की सेंसर की लाइट होती है, तो ये लाइट रहेगी। तो उसके बाद भाई कई बार क्या होता है भाई हमारी जो ये वाली लाइट होती है इंजन ऑयल की ये नहीं आ रही, तो ये भी बंद की होती है भाई, इसके इससे पता लग जाए हमारी गाड़ी का जो इंजन पंप होता है भाई डाउन है, उसमें कोई खराबी है, तो इस इंजन लाइट भी बंद कर देते हैं कई कंडीशन में। जब आप गाड़ी को भी स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर भी ये लाइट आ रही है तो ये लाइट इसके पता लगता है भाई आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कम है या इंजन ऑयल सही तरह सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो ये लाइट उसका साइन देती है। ये लाइट कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर कर भी दिखा देता हूँ उसके बाद क्या क्या चेक करना है। चलो मैं गाड़ी भी स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली है और देखो सभी लाइट चली गई, और ओनली भाई डोर ओपन है मेरा उसकी लाइट रहेगी, और भाई मेरे हैंड ब्रेक लग गए उसकी लाइट रहेगी, तो सभी लाइट चलेगी। और जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे जो भी आरपीएम की सुई होती है ये भी स्ट्रेट रहनी चाहिए। यहाँ मेरे यहाँ पर भाई वैसे जैसे मेरी गाड़ी की आरपीएम की सुई भी स्ट्रेट है, यहाँ पर हिलती नहीं है, ऐसे भी स्ट्रेट रहनी चाहिए। कई बार गाड़ी में क्या होता है ये वाली सुई ऐसे भी हिलती है, ऐसे ऐसे तरह से हिलने लगती है और ऐसे हिलती रहती है, तो उस कंडीशन में इंजन हमारा सही नहीं गाड़ी का, उसका कोई काम होने वाला होता है, तो ये भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, लाइट हिलनी नहीं चाहिए। तो बाहर से बताऊँगा अभी स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चेक करें। जब आपने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली पहले तो कोई स्मोक नहीं देना चाहिए गाड़ी में, सेंसर में देख लिया भी कोई स्मोक तो नहीं आ रहा, पूरी तरह चेक कर ले गाड़ी को। तो उसके बाद मैं बताऊंगा भी क्या क्या चेक करें। जैसे भाई इंजन की मेरी एक नेक पंप एक रीजनल साउंड होती है, ऐसी साउंड आनी चाहिए, ना तो कोई ज़्यादा साउंड आनी ना ही कम साउंड आनी चाहिए। और आप क्या करें इंजन को स्टार्ट कर ले और आसपास देखें भी कोई अलग से साउंड तो नहीं आ रही, और साउंड तो नहीं आ रही इंजन की भाई, तो पता कर ले खटखट खटखट की साउंड तो नहीं आ रही। उसके बाद क्या करें आप जो हमारी इंजन ऑयल की लेवल की होती है उसको बाहर निकाल ले आप इस तरह से भाई, तो इसमें भाई देख ले आप इंजन ऑयल में कोई स्मोक तो नहीं आ रहा, देख लो भाई मेरी गाड़ी में कोई स्मोक नहीं आ रहा तो सही है भाई, इसमें कोई स्मोक नहीं, धुआं नहीं आना चाहिए गाड़ी में, और इसका भी इंजन
ऑयल का लेवल भी चेक कर ले भी सही है, इंजन का ऑयल का लेवल मेरी गाड़ी में सही है तो मैं इसको मैं लगा देता हूँ। तो इससे आप पता करते हैं भाई हमारी गाड़ी का इंजन सही कंडीशन में है या नहीं है। और एक बार भी आप एक्सीलेटर देकर देख ले गाड़ी में कोई स्मोक ना करे भी, गाड़ी कई बार गाड़ी खड़ी स्मोक नहीं करती, जब आप एक्सीलेटर देते हैं उसके बाद भी स्मोक करती है। तो इस तरह से भाई इंजन की सावधानी चाहिए और कोई भी लीकिंग नहीं होनी चाहिए गाड़ी को, 5-7 मिनट भी इंजन को स्टार्ट ही रहने के उसके बाद पता चलता है भाई गाड़ी का इंजन सही है या नहीं है। तो ये चीज़ें भाई चेक कर ले गाड़ी की, इससे आप पता लगा सकते हैं भाई हमारी गाड़ी का इंजन सही है या नहीं है। एक्सीलेटर देकर भी देख ले गाड़ी को भाई आपकी पीछे तरफ एक स्मोक ना करे गाड़ी, और इससे आप पता कर सकते हैं हमारी गाड़ी का इंजन सही है जी। और सबसे मेन पार्ट तो भाई गाड़ी को चला कर देख ले इंजन की पिकअप रिस्पॉन्स, उससे पता लगेगा भाई। कई बार क्या होता है गाड़ी में इंजन सही होता है इसमें पता नहीं लगता, और कई बार 3,000 RPM से इंजन ऊपर नहीं जाता। तो ये भी आप पता भी चला कर देख लें गाड़ी को, पूरी पिकअप आनी चाहिए इंजन की। तो ये जो जो चीज़ें मैंने बताई पहले ये कर ले, उसके बाद भी गाड़ी को चला कर देख ले आप कि इंजन सही चल रहा है, गाड़ी रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है भी, और कोई साउंड तो नहीं आ रही, तो इससे आप भी पता लगा सकते हैं जो जो मैंने ट्रिक बताई है। कई बार क्या होता है इसमें भाई ऑयल की सीटें भी आने लगती है, यहाँ पर ऑयल की सीटें आ रही तभी भी हमारा इंजन ख़राब है गाड़ी का भाई, तो काम होगा वो गाड़ी में तगड़ा। तो इससे ट्रिक से भी आप गाड़ी के इंजन को पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन कैसा है। तो जो जो मैंने चीज़ें बताई उसके बारे में पता लगा सकते हैं गाड़ी का इंजन सही है। तो गाड़ी को चला कर भी देखें एक बार भी गाड़ी को। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।